रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हश्र में एक ऐसा आदमी अल्लाह की अदालत में आएगा कि जिसके आमाल में सिर्फ एक अमल की कमी होगी, तो हक तआला फरमाएंगे जाओ अपने अजीजों, रिश्तेदारों, माँ बाप, भाई बंधु से जाओ, एक नेकी मांग के आओ, अगर एक नेकी मिल जाए तो तुम जन्नत में जा सकते। वो बिरादरी के पास जाएगा, दोस्तों के पास जाएगा, वालिदैन के पास जाएगा, लेकिन वो तो ला तज़रु वाज़िरतु विज़्रा उख़्रा का आलम, नफ्सी नफ्सी की पुकार होगी, कोई उसकी नहीं सुनेगा, नेकी नहीं मिलेगी उसे, बेचारा मायूस। जब वापस लौटेगा तो एक आदमी बैठा होगा, वो देखेगा भी बड़ा परेशान, बड़ा मुस्करीब आ रहा है, तो वो पूछेगा क्या हुआ मियां? ये कहेगा एक नेकी कम थी, अगर वो मिल जाती तो जन्नत में चला जाता, लेकिन किसी ने भी नहीं दी, न भाइयों ने, न दुनिया वाले दोस्तों ने, यहां तक के मां बाप ने भी आज नहीं पूछा। तो वो आदमी कहेगा अच्छा फिर मेरे पास है ही एक, तो तू ले जा, एक नेकी है मेरे पास, तो मेरा क्या बनेगा भाई, तू ले जा। बड़ा खुश हो जाएगा, उससे वो एक नेकी लेकर रब्बुल इज्जत के हुजूर हाजिरी देगा, खुश खुरम शादाब होकर, इलाहुल आलमीन मुझे मिल गई नेकी, जन्नत अता कीजिए। हक ताला फरमाएंगे भाई ये नेकी तुझे किसने दी? उस आदमी को बुलाया जाएगा जिसने दी है, तो रब्बुल आलमीन फरमाएंगे आज तो माँ बेटों को नहीं पूछती, बाप औलाद को नहीं पूछता, भाई भाइयों को भूल चुके हैं, ये तूने कैसे दे दी नेकी? वो कहेगा इलाहुल आलमीन मेरे पास थी ही है, तो मैंने सोचा मेरा तो कुछ बनेगा नहीं, ये तेरा बंदा क्यों ना जन्नत में चला जाए, एक नेकी कम थी। तो हदीस में है अल्लाह फरमाएंगे अतुरीदु अंतकून अजवद मिन्नी, तूने ख्याल किया है कि तू मुझसे भी ज्यादा सखी है, जाओ तुम दोनों को जन्नत में भेजता हूं। तो यहां इस्लाम में तो मैंने कहा उसकी रहमत का आलम यह है भाई, यहां किसी ब्रोकर की जरूरत नहीं है, यह झूठ बोलता है मुल्ला जो ये कहता है कि जीने के बगैर छत पे नहीं चढ़ा जा सकता, और क्लर्क के बगैर एसपी की मुलाकात नहीं होती, तो हमारे बगैर अल्लाह भी नहीं मिलता, झूठ बोलता है अपनी दुकान चलाने के। वरना यहां तो आलम यह है कि बाकी सारी उम्मतें अल्लाह की रहमत की तलाश में हैं, और अल्लाह की रहमत मोहम्मद अरबी की उम्मत के गुनहगारों की तलाश में है। हजरत करीमुल्लाह सैयदना मूसा जब अपनी कौम को लेकर गए हैं कोहे तूर पर, फरमाते हैं इन्नकुम ज़लमतुम अन्फुसकुम, तुमसे गलती हो गई, तूबू इला बारीकुम, तौबा करो। कहने लगे वुजू करें, नवाफिल पढ़नी है, फरमाया नहीं, फक्तलू अन्फुसकुम, सीने से पत्थर बांधकर पहाड़ से कूदो। कहने लगे मारना है, पहाड़ से कूदे पत्थर भी बांध रहे, फरमाया हां मारना है, मरोगे तो तौबा कबूल होगी, तुम्हारी खता माफ होगी, वरना तुम्हारी खता माफ नहीं होगी, तुम्हारी तौबा की क्वालिटी ही यही है कि जान दोगे तो अल्लाह माफ करेगा वरना नहीं। हक तआला ने फरमाया कलीम तेरी उम्मत की तौबा तो यह है कि अपनी जान देंगे तो मैं माफ करूंगा। एक कमिंग उम्मत है, एक उम्मत आ रही है, जानते हो उनकी तौबा क्या हो? सोचा जब हमारा ये हाल है कि पहाड़ से कूदना पड़ रहा है, तो फिर जो कमिंग उम्मत है, जो उम्मत आ रही है, उस पर तो बिलडोजर फिरेंगे, उनका तो जिस्म टुकड़े टुकड़े होगा, तब जाके अल्लाह माफ फरमाएंगे। हक तआला ने फरमाया नहीं मेरे कलीम, एक उम्मत आ रही है, उनकी तौबा ये होगी कि अपनी जिंदगी के सारे गुनाह सारी खताएं जमा करके मुझसे कहेंगे या अल्लाह माफ कर दे, तो मैं माफ कर दूंगा। बस इतनी सी बात की, अर्ज किया अल्लाहुल आलमीन वो भी मेरी उम्मत है, फरमाया नहीं वो तेरी उम्मत नहीं, वो मेरे महबूब, वो मेरे महबूब रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मत है, बाकी सारी उम्मतें मेरी रहमत की तलाश में हैं, और मेरी रहमत मेरे महबूब के गुनहगार उम्मतियों की तलाश में है कि ये बहाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां से नहीं, यहां से जमीर से, हुआ अफसहु बिमकाली, हुआ अकमलु बिनवाली,
وأعظم بجلاله وأفقد بمثاله اس سے بڑھ کر فصیح کوئی نہیں. وہ بولتا ہے تو لبوں سے وحی کے پھول جھڑتے ہیں, اس سے بڑھ کر کسی کا نسب کوئی نہیں, شرافت نسبی میں اس کا کوئی ثانی نہیں, فصاحت و بلاغت میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں, جمال اور کمال میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں. ہو حامد و محمد ہو ماجد و ممجد وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہ آپ اپنی نذیر بھی وہ زمین پہ شاہ بھی فقیر بھی اور فلک پہ عرش مسیر بھی وہ جسیم بھی وہ وسیم بھی وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی وہی ارفع الدرجات بھی وہی اکمل الحسنات بھی ہے اسی کا فیض جہان میں وہ نماز میں وہ اذان میں صلی اللہ علیہ وسلم.